10 जुलाई और है भाई मंडे का दिन। और अभी जो है मैं व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ रात के टाइम, और क्योंकि व्लॉग जो है आज अपलोड भी शाम में देर से हुआ था, सो इसलिए मैंने उसके बाद व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और अभी फिलहाल जो है भाई मैंने बुलाया है एथरनेट वाले को, जो कि मेरे केबल लगाएगा पीसी में। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई नेटवर्क कनेक्शन काफी ज्यादा स्लो आ रहा है वायरलेस वाले से, तो मुझे जो है वायर्ड कनेक्शन कराना है जो कि एथरनेट की केबल लगेगी तो होगा। सो मैंने जो है अभी नेट वाले को बुलाया है भाई, वो आ रहा है, और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन भी आएगा जो कि भाई उसको जो है केबल वगैरह को जो है ना जोड़ेगा, मतलब दीवार पे लगाएगा जो क्लिपिंग वगैरह होती है, और ड्रिल मशीन से जो एक होल भी करना है जो हमारे ऑफिस में जाएगा। सो वो सब होने वाला है अभी, तो व्लॉग को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो भाई यहाँ पे जो है ना नेट वाला अभी एथरनेट की केबल लगा के चला गया था, और अभी जो है ना उसकी क्लिपिंग वगैरह करवा रहे हैं यहाँ पे, और डिवाइस फ्रिज पे रखी हुई है भाई, तो वहाँ से जो है ना पूरा ये मेरे ऑफिस में जाएगा। तो अभी यहाँ तक क्लिपिंग हुई है, अब इसको आगे भी ले जाना है। तो भाई माशाल्लाह एथरनेट के बहाने हमारा गेमिंग चैनल का जो है भाई कॉनी गेमिंग जोन का प्ले बटन भी यहाँ पे लग चुका है, तुम लोग देख सकते हो। और मतलब जब से आया था ना ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसके डब्बे पे भी मिट्टी जम गई है, तभी माशाल्लाह से भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, दीवार पे लगवा दिया इसे, तो सेटअप का लुक कुछ ऐसा आ रहा है भाई, माशाल्लाह कहते हैं ना इसको देख के भाई, इंशाल्लाह इस चैनल के लिए भी एक दिन ज़रूर आएगा। तो अभी फ़िलहाल ये लगवा लिया, एथरनेट का कनेक्शन भी हो गया सारा। सो अभी तो गेम डाउनलोड हो रही है एक, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स, सो देखते हैं अब स्पीड बढ़ती है कि नहीं। तो भाई अभी ऑस्ट्रेलिया जो है ना खेल रहा है गेम, और इसमें जो है ना हमें 3 स्पिन मिले थे, तो 2 में 1 में तो हमें पैसे मिले इस गेम के, और दूसरे में जो है एक इमोट, ये वाला इमोट मिला है, और जब तीसरा वाला भाई देखते हैं क्या मिलता है, दबा दो भाई। सो भाई देखते हैं, लेट्स सी क्या मिलता है हमें, काश कुछ अच्छा मिल जाए यार। फोर्ज़ा हॉरिज़न 4 गेम है ये, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। ओ भाई गाड़ी आने वाली थी यार, कितनी करीब थी यार, थी कौन सी गाड़ी, कमारो Z28। ओ भाई साहब, तो अभी फ़िलहाल हमें तो फरारी मिली हुई है, एक और भी मिली है। ओ भाई एक और स्पिन मिल चुका है भाई, जल्दी करो यार जल्दी। ओके भाई अब दुआ करो यार, तुम लोग जल्दी से कमेंट्स में दुआ करो भाई, भाई यार जल्दी दुआ करो यार। ओ माय गॉड शाबा, कोई गाड़ी मिली, रेनॉल्ट की है, मिगेन RS 250 2010। ओ भाई साहब खुश हो भाई, बहुत अच्छी गाड़ी है ये तो यार। चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो ड्राइवर साहब ने निकाल ली है भाई ये वाली कार, अब इसकी टेस्ट ड्राइव करके दिखाओ। एक्सबॉक्स के कंट्रोलर से खेल रहा है ये, स्टीयरिंग व्हील इतना अच्छा लगा हुआ उससे नहीं खेल रहा। भाई साहब कैसी गाड़ी है, कैसी है स्पीड, पिकअप पकड़ रही है? हाँ। वैसे 30,000 की है, सस्ती तो है बट अच्छी है, कॉम्पैक्ट कार के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट कार मिल गई है भाई। ये देखो मैं अभी अभी उठाऊँ और जस्ट बैड सीन हो गया है यहाँ पे, जो है ना हमारे ड्राइंग रूम की जो विंडो है वहाँ पे कबूतर मरा पड़ा है, और भाई रिपोर्ट मिली है कि फजर में ना ये मरने वाला हो रहा था, पर अभी ये मर चुका है। तो इसका पर कैसे हिल रहा है, हवा से हिल रहा है ना। ओके भाई अभी इसको जो है ना देखते हैं क्या करना है, कैसे मरा होगा ये पता नहीं। तो यार तुम लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा कि भाई हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे, जो कि है इस्लामाबाद और उसके आगे जितनी भी जगह है वहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है भाई हॉलीडे एंड होने वाले हैं, और बाबा को भी इस्लामाबाद में काम था कोई इंपॉर्टेंट ऑफिस का, तो बाबा ने बोला कि भाई हम भी साथ चलते हैं, और जब इस्लामाबाद जा ही रहे हैं तो फिर हॉलीडे ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए आगे पहाड़ों वगैरह पर विजिट कर लेंगे, क्योंकि हम जो है 2 साल से नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को पता है हम लोग रोड ट्रिप्स कितने करते थे, बट अब जो है हम लोग जा नहीं पा रहे थे, कुछ फैमिली के हेल्थ इश्यूज़ वगैरह थे तो इस वजह से नहीं जा पा रहे थे, और अब बाबा को ऑफिस का काम है तो इसलिए हम जा रहे हैं, और हम घूम फिर भी लेंगे क्योंकि अब छुट्टियाँ एंड होने वाली है, तुम लोगों को पता है स्कूल खुलने वाले हैं मुहर्रमों में, तो उससे पहले पहले हम जा रहे हैं। और जो है यार मैं जो है ये वाला व्लॉग एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं उस रोड ट्रिप के लिए जहाँ पर हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, कराची टू इस्लामाबाद। अच्छा ये जो कराची टू इस्लामाबाद वाला व्लॉग है, तुम लोगों को पता होगा मैं एक गाइड वाला व्लॉग बनाता हूँ कंप्लीट, तो वो गाइड वाला तो आएगा ही आएगा जो आधे पौने घंटे का होगा, लेकिन उसके साथ डेली व्लॉगिंग तो हमारी चलती रहेगी। डेली व्लॉगिंग में मतलब मैं डेली व्लॉग जो होगा उसमें अपने जितने भी जहाँ पे रुकेंगे सब कुछ दिखाता रहूँगा, मतलब डेली लाइफ दिखाऊंगा रूटीन,
और जो एक गाइड वाला है वो सेपरेट होगा कराची टू इस्लामाबाद बाय रोड का। जो लोग मतलब रोड ट्रिप पे जाना चाहते हैं, जिनको गाइड चाहिए मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, तो उनके लिए वो ब्लॉग होगा। तो इसलिए अगर आप लोग वो वाला ब्लॉग देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे क्या होगा, जब भी वो ब्लॉग अपलोड होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और यार इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट एक अच्छा सा कर दिया करो यार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूं मैं। सो जो यार ब्लॉग पसंद है लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, रोड ट्रिप के लिए रेडी हो जाओ। तो मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट पाकिस्तान टूर के ब्लॉग में, जब तक के लिए सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट वीडियो भैया। Found the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah.